शान, आज आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग की, और बैटिंग करने से पहले जब आ रहे थे आपने जेन में क्या प्लान बना हुआ था? सर, जेन में ये था, पहला मैच अच्छा नहीं गया था इंडिविजुअली भी और टीम के लिए भी, तो मुझे और खुरम भाई को इतना यकीन था कि अगर हम दोनों थोड़ा सा खेलेंगे, पहले 10 ओवर निकालेंगे, 20 ओवर निकालेंगे, टीम को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। खुरम भाई को बहुत ज़्यादा दाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने खेले, उन्होंने मेरे लिए चीज़ें आसानी की। तो मैं अपने नेचुरल गेम पे आ गया, मैं स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, आउट बाउंड्री मारता था, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने क्लीन हिटिंग की और 190 रन किए, हमारी टीम के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और जो नेट रन रेट का पहले मैच में जो हमने मसला किया था, वो अब हमने एक तरीके से बड़ा हमने अच्छा कवर किया। तो आप ये जो ग्राउंड की पिच है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यूरेटर को क्या देना चाहेंगे? एज अ बैट्समैन मैं बहुत खुश होऊंगा कि इतने रन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे पिंडी इस्लामाबाद में होता है, थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए कि बाउंस हो, ज़रा सी लैटरल मूवमेंट हो, स्पिनर्स को भी बाउंस मिले, ताकि सिर्फ एक वन साइडेड गेम ना हो। लेकिन क्यूरेटर को बहुत दाद दूंगा कि जिन पिचेस पे 250 260 नहीं होते थे, उधर आके अब 360 370 इवन 400 भी आप देखेंगे इस टूर्नामेंट। तो शान, जो फैसलाबाद का क्राउड बहुत आता है मैच देखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान कप में क्राउड आ नहीं रहा, तो क्राउड को क्या कहना चाहेंगे, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? पहला पाकिस्तान कप हुआ था 2015 में, उसमें मैंने फुल हाउस देखा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसलाबादियों को कि इधर आएँ, उसी तरीके से एक और हमें फुल हाउस देखने को मिले, क्योंकि जब यहाँ फुल हाउस होता है ना, तो मैच खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू शान, थैंक यू। बहुत अच्छी बैटिंग की आज आपने, और आपको बेस्ट शॉट जो आपने खेली, कौन सी शॉट थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? सर, मुझे तो लग रहा था आज मुझसे इतनी शॉटें अच्छी नहीं लग रही थी, खुरम भाई की बहुत अच्छी शॉटें थी, आई थिंक वही सारी मेरी फेवरेट शॉट्स। थैंक यू।